नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि रेट की जो रेगुलर क्लासेज है उसका शेड्यूल कॉल आपको बता दिया था। मनोविज्ञान का एक वीडियो अपलोड हो चुका है इससे पहले, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज जो है 2 नंबर क्लास हमारी हिंदी की रहेगी। हिंदी का इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है स्वर वर्ण विचार का, आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा स्वर और उसके भेद, यानी दोस्तों स्वर किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हिंदी में बताए गए हैं, तो इस पर हमारा वीडियो रहेगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको रीड से संबंधित सभी प्रकार की साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और SST की वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद संस्कृत का वीडियो आएगा और लास्ट में आएगा SST का। डेली आपको 4 वीडियो रीड से संबंधित हर टॉपिक के मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख विवार से बिना किसी रुकावट, अवरोध, घर्षण व संघर्ष के बाद स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलती है, वह ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाते हैं। यानी फेफड़ों से उठी हुई श्वास और वायु मुख विवार से बिना किसी रुकावट, अवरोध, घर्षण या संघर्ष के बिना जो स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकलती है, ये ध्वनि ध्वनि स्वर कहलाती है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े वो ध्वनि दोस्तों स्वर कहलाती है। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है, ए आ ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ, ये 11 होते हैं। अगर इनकी मात्राओं की बात करें तो आपके सामने मात्राएं भी यही आप देख सकते हैं, ये इनकी मात्राएं हैं। प्र जो है प प्लस र प्लस ए से बनता है और क्र जो है क प्लस ए प्लस री से बनता है, ठीक है। इसके बाद स्वरों की 2 भेद बता के, ह्रस्व 4 और दीर्घ 7। हिंदी भाषा का जो वो है सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अंत में हिंदी। संस्कृत भाषा में कुल स्वर जो है 13 है, मूल स्वर 9 है, ए आ ई ऊ ए ई ऊ री ली ए ओ आई औ और अन्य स्वर है ए आ बड़ी ई बड़ा ऊ री। पाली व प्राकृत भाषा में 10 शब्द थे जो कि थे ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ओ आई औ। अपभ्रंश में 8 शब्द थे ए आ ई ई ऊ ऊ ए ओ और हिंदी में हो गए 11 ए आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों को 6 भाग की बांटा गया है, मात्रा काल और उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से, उच्चारण काल के आधार पर 2 प्रकार से, उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार से, जिह्वा की स्थिति और क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार से, होठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार से और मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से। सबसे पहले मात्रा काल या उच्चारण के आधार पर ये बात है कि इस आधार पर वर्गीकरण पाणिनि ने अपनी जो रचना है अष्टाध्यायी उसमें भी किया था। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले ह्रस्व है, यह उसे लघु स्वर या एकमात्र या मूल स्वर कहते हैं, जो कहते हैं ए ई ओ री। दीर्घ गुरु स्वर या द्विमात्र आ ई ऊ ए आई ओ औ। विशेष कांता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से, मूल स्वर ए ई ऊ री और संधि स्वर आ ई ऊ ए ओ औ। इसके अलावा संधि स्वरों को पुनः 2 बांटे, मूल दीर्घ स्वर आ ई ऊ और संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्वर होता है दोस्तों प्लुत। जब किसी स्वर का उच्चारण उस स्वर के तिगुण समय में किया जाए तो वह स्वर दोस्तों प्लुत कहलाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता, प्लस स्वर बनाने के स्वरों पर प्लुत चिन्ह दर्शाया जाता है, जैसे ए के ऊपर ये 3 ओम्स हैं इसे प्लुत कहते हैं। उच्चारण काल के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, तो अनुनासिक और एक निरुनासिक। अनुनासिक वे स्वर ध्वनियाँ जिनका मुख व नाक दोनों से उच्चारण किया जाता है, अनुनासिक कहलाते हैं। सामान्यतः हिंदी वर्ण में कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता, अनुनासिक स्वर बनाने के लिए चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। अनुनासिक प्रत्यय से कोई ध्वनि नहीं है, इनका प्रयोग केवल स्वरों पर किया जाता है। अनुनासिक ध्वनियों को विशेषण के रूप में माना जाता है, जैसे आए आ आँख ऊँट गाँव ईंट अनुनासिक। निरुनासिक केवल मुख से उच्चारित होने वाले निरुनासिक कहलाते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर निरुनासिक माने जाते हैं। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार, एक तो अग्र स्वर जो 4 होते हैं ई बड़ी ई ए आई और मध्य स्वर 1 ए और पश्च स्वर जो है 5 होते हैं आ ऊ औ ओ औ आ। मुखाकृति के आधार पर जो स्वर बांटे गए, एक तो संवृत 4 प्रकार के ई ई ऊ ऊ, विवृत आ, अर्धसंवृत ए ओ, अर्धविवृत ए ओ। इसके अलावा होठों की वर्गीकरण 2 प्रकार के हैं, एक तो वृत्ताकार जिसमें ओ ओ ओ आएंगे और ए वृत्ताकार ए आ ई ई ए आई आएंगे। लास्ट जो है वह उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार के, एक तो कंठ है ए आ कंठ, तालु ई ई तालव्य, मूर्धाकार री, ओष्ठ का ओष्ठ ऊ ऊ, कंठ प्लस तालु ए आई और कंठ प्लस ओ औ। विशेष गुरु कांता प्रसाद ने जाति के आधार पर स्वरों को 2 भाग में बांटा, सजातीय ए आ ई ई, विजातीय ए ऊ।
तो दोस्तों ये था हमारा स्वर का टॉपिक जो मैंने आपको स्वर और स्वर के भेदों के साथ समझा दिया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी रात को 8 बजे संस्कृत की, और उसके बाद 9 बजे SST की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल घंटी जरूर दबाए। धन्यवाद।